दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगॉस होटल। नाजरीन आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज़ पर। मल्काजगिरी एमपी रेवंत रेड्डी आज टीपीसीसी की प्रेसिडेंट की शपथ लिए हैं। वो सुबह अपने घर से हज़ारों की तादाद में अपने वर्कर्स के साथ निकले, पहले मंदिर में पूजा किए, फिर यूसुफन दरगाह में ज़ियारत किए और फिर वो गांधी भवन पहुँच कर शपथ लिए। आइए देखते हैं मोहम्मद शौकत की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष बनाकर हिंदू मुसलमानों को जो अंके जैसा देख लेके ये तेलंगाना माहौल, तेलंगाना आम जनता भला के लिए हमारे मुसलमान भाइयों, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था हम लोग 4% रिजर्वेशन दिए, जब माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से गरीब मुसलमान नीचे करो जो बेरोजगारी में था उन लोगों को बहुत कुछ हम मदद किए। हमारे केसीआर के 7 साल में आज तक कोई मुसलमानों को मदद नहीं मिला। 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान करके मुसलमान भाइयों को धोखा दिया। हमारे मुसलमान भाइयों चाहे तो अरे केसीआर को सबक सिखा सकते, जो इच्छा से श्रीमती सोनिया गांधी तेलंगाना जी हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने लड़कर तेलंगाना हासिल किए, हमारा हाथ कामयाब नहीं हुए। इसीलिए हिंदू मुसलमानों को दो आंके जैसा देख लेके एक सेक्युलर स्टेट बनाकर यहाँ हर आदमी के लिए काम करना है। और ये डबल बेडरूम घर देते बोल के मुसलमान भाइयों से वोट लिए, नौकरी देते बोल के धोखा दिए, 12% रिजर्वेशन देते बोल के ऐलान कर धोखा दिए। भगोड़ का जगह पूरा काले रहा है। हर चीज में हमारे मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को केसीआर धोखा पे धोखा देते जा रहा है। इसीलिए आज जो सेक्युलर पार्टी है इस हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनवाए, चीफ मिनिस्टर बनवाए, गृह मंत्री ने बनवाए, हर मौका कांग्रेस पार्टी के समय में मिला, मगर केसीआर आने के बाद सब लोगों को धोखा दिए। इसीलिए आज इस जलसा में जो हम चार्ज ले रहे हैं हमारे मुसलमान नौजवानों बच्चे फुल चार्ज होकर दबा के कांग्रेस पार्टी का आवाज सुनाने के लिए दरगाह पे इतने लोग मौजूद हुए। दरगाह में दुआ लिए, ये दुआ लेकर निकलूंगा, केसीआर को टीआरएस को मैं हराऊंगा। ये गरीब मुसलमान भाई सब नौजवान बच्चों को साथ में लेकर आगे चलूंगा, नौजवान बच्चों को राजनीति में लाऊंगा, मौका देऊंगा, हैदराबाद को इतना तरक्की करूंगा, पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद के तरफ पलट के देखना। इससे पहले जब निजाम नवाब ने हैदराबाद को डेवलप किए, उसके बाद हमारे कांग्रेस सरकार डेवलप किए, उसको पूरा खत्म करने के लिए केसीआर साहब ने सोच रहा है। 105 साल पहले निजाम सरकार हुकूमत में थे तब वो उस्मानिया दवाखाना बनाया। आज निजाम के निशाने मिटने के इसमें जाल में निजाम दवाखाना को तोड़ना चाह रहा है, निजाम कॉलेज को तोड़ना चाह रहा है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को खत्म कर रहा है। हर जगह में जो तेलंगाना में निजाम सरकार के वक्त में जो बनाया उसका निशान मिटने के लिए कोशिश कर रहा, मस्जिदों को शहीद कर